हुआ है। या तो वोट बैंक को मजबूत करने के काम करेंगे, या तो अपने वंश के दूर दूर के रिश्तेदारों को भी मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अगर यही होगा तो तेलंगाना मजबूत होगा क्या? आप सब मजबूत होंगे क्या? आपका भाग्य बदलेगा क्या? आपके सपने पूरे होंगे क्या? भाइयों और हैदराबाद में भी गति देना चाहती हैं, लेकिन वहां मजलिस नाम का एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। उनको विकास की भाषा समझ ही नहीं आती, वो तो दिन रात सोते जागते सिर्फ उनको मोदी याद रहता है। ये चौकीदार उनको रात को सोने नहीं देता है। साथियों, तेलंगाना और देश के विकास के लिए बेटियों और बहनों की इनकी अत्याचारी सोच से मुक्ति के लिए मोदी जो भी कदम उठाता है इन लोगों को चूपता है। आप सभी ने देखा है कि तीन तलाक जैसी अत्याचारी परंपरा के खिलाफ जब संसद में कानून आया तो मोदी को क्या नहीं कहा। मैं तीन तलाक से पीड़ित, तीन तलाक से डरी हुई हर बहन बेटी से आग्रह करता हूं कि हमें सहयोग करें, हमारी शक्ति बढ़ाएं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। जब ऐसे लोगों का साथ हो तो टीआरएस की कार का बेकार होना स्वाभाविक है। तेलुगु में तो एक कहावत बहुत मशहूर है, आरु नेलालू सावासम चेस्टे वालो पिल्लाई नाटलो। कहावत तो छह महीने के साथ की है, लेकिन यहां तो सात छह साल का हो गया और इसके कारण उनकी जो आदतें हैं वो इनमें आ गई हैं। तो अंदाज लगाइए कि कार भले ही केसीआर सवार हो लेकिन स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं। इन्होंने विधानसभा से पहले दावा भी तो यही किया था और इसलिए यहां की सरकार को जगाना जरूरी है। जैसे पुलुसु में खाने में तीखा लगता है ना, वैसे ही वोटिंग वाले दिन पुलुसु खिलाकर टीआरएस को आप भी थोड़े तीखे स्वाद का मजा चखा दीजिए। साथियों, 11 अप्रैल को सिर्फ किसी पार्टी या पक्ष की जीत का फैसला नहीं होना है। ये सिर्फ संसद का चुनाव नहीं है बल्कि इस बात का फैसला होगा कि नए भारत की नीति और रीति आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की रहेगी या फिर दुबक कर निंदा करने की बात होकर के ये मुंह छुपाते घूमेंगे। फैसला इस बात का होना है कि हिंदुस्तान के हीरो को मान होगा या पाकिस्तानी पक्षकारों का मान बढ़ेगा। फैसला इस बात का होगा कि देश में पहले जैसे बम धमाके होते थे वैसा ही दौर लौट आए या फिर बीते पांच